नमस्ते फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल आईक्यू क्रैकर में। तो दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं कि जो हमारा आरसीसी रूफ स्लैब होता है उसका आखिर कंस्ट्रक्शन किस तरह से होता है। तो ये देखने से पहले हमें जानना होगा कि इसका जो हमारा फॉर्मवर्क होता है वो आखिर किस तरह से दिया जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमारा फॉर्मवर्क है उसको सपोर्ट देने के लिए हमने यहाँ पर जो है बैम्बू प्रॉप्स को यूज़ किया है, या फिर आप कह सकते हैं वुडन प्रॉप्स को यहाँ पर यूज़ में लाया गया है। और हमारे जो प्लेट्स यहाँ पर यूज्ड है वो है हमारे स्टील शटरिंग प्लेट्स। तो इनको यूज़ करके हमने जो है ये फॉर्मवर्क को तैयार किया हुआ है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो बैम्बू प्रॉप्स है ये नीचे में जो है किस तरह से सपोर्टेड है, आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो हमारा स्लैब का पूरा लोड होता है वो बीच में आता है और इसी के कारण जो डेंसिटी होता है बैम्बू प्रॉप्स का वो हमें बीच में ज़्यादा देना पड़ता है। प्लस जो बैम्बू प्रॉप्स के नीचे में जो सर्फेस होता है वहाँ पर हम लोग को जो है एक हार्ड सर्फेस दे के उसका एरिया बढ़ाना पड़ता है ताकि ये ज़मीन में धंस ना जाए। और इसके लिए हम लोग जो है यहाँ पर ईंटों को यूज़ किए हैं, कभी कभी पत्थरों को भी यूज़ किया जाता है। कई लोग सोचते हैं कि इनको इसलिए दिया जाता है क्योंकि हमारा जो क्रॉप है वो छोटा हो गया है, लेकिन ये बात नहीं है। हम लोगों ने इसे इसलिए प्रोवाइड किया हुआ है क्योंकि ये जो है हमारे प्रेशर को विभाजन कर देता है, प्रेशर को जो है डिस्ट्रीब्यूट कर देता है पूरे लैंड में, जिसके कारण ये जो है धंसता नहीं है लैंड के अंदर। तो चलिए दोस्तों, अब देखते हैं कि जो हमारा रूफ स्लैब है उसमें आखिर स्टील बार्स को किस तरह से प्लेस किया जाता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमने जो है यहाँ पर रूफ स्लैब में स्टील बार्स को प्लेस किया हुआ है। और जो हमारे साइड में स्टील बार्स होते हैं, साइड के पोर्शन में हम लोग जो है कुछ स्टील बार्स को बेंट अप पोर्शन में रखते हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। और इस तरह के बार को बेंट अप बार भी बोला जाता है। और बेंट अप का वैल्यू होता है हमारा 9.5, जैसा कि आपने DSS में पढ़ा होगा, डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बेंट अप बार्स को जो है एक के बाद एक रखा जाता है, यानी कि एक बेंट अप बार, फिर एक स्ट्रेट बार, फिर एक बेंट अप बार, इस तरह करके जो है हम लोग स्टील्स को प्लेस करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमने यहाँ पूरे जगह पर जो है स्टील बार्स को अच्छे से प्लेस कर दिया है। आप देख सकते हैं किस तरह से ये प्लेस किया हुआ है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं स्टील का यहाँ पर टाइप क्या है। तो आप देख सकते हैं ये जो स्टील है हमारा, ये हमारा TMT बार है, जो कि है हमारा FE550। तो FE550 जो है वो हमारा दर्शाता है इसका स्ट्रेंथ, और TMT जो है वो बताता है ये कौन सा क्वालिटी का बार है। TMT का मतलब होता है थर्मो मैकेनिकली ट्रीटेड बार्स। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि जो हमारा यहाँ पर वायरिंग है वो किस तरह से किया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए हम लोगों ने यहाँ पर प्लास्टिक पाइप्स को और सर्कुलर्स को यूज़ किया है, और सर्कुलर्स को जो है थोड़ा सा लेवल ऊपर करके डाला जाता है, जैसा कि आप यहाँ सैंड लेके देख सकते हैं। और क्योंकि इसके अंदर हम लोग RCC को एंटर नहीं करने दे सकते हैं क्योंकि वो जो है अंदर जाके जाम हो जाएगा, उसको अवॉइड करने के लिए हम लोग इसके अंदर जो है प्लास्टिक ठूस देते हैं ताकि कॉन्क्रीट देने टाइम कॉन्क्रीट ना ठूसा जाए। इसीलिए हम लोग इसको जो है अंदर से प्लास्टिक डाल देते हैं ताकि इसमें कॉन्क्रीट ना घुसे और बाद में हम लोग ईजिली जो है वायर को पास कर पाए। तो यही है दोस्तों वायरिंग का एक छोटा सा रूल। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जनाब किस तरह से स्टील बार्स के नीचे जो है हमारा कवर प्लेस कर रहे हैं। एक्चुअली कवर जो है वो उसका एक अलग ही शेप होता है, लेकिन यहाँ पर गांव देहात में क्या किया जाता है, हम लोग जो है 20 से 30 mm के स्टोन्स को लेते हैं और उन्हीं को एज अ कवर यूज़ करते हैं। तो या ये इंडिया का जुगाड़ है, गाँव देहात का जुगाड़ है, तो कह नहीं सकते। फिलहाल जो है आप समझ लीजिए कवर को यूज़ किया क्यों किया जाता है। जब हमारा कंक्रीट इसमें डाला जाता है तो छड़ हमारा जो है नीचे की तरफ दिखे ना, इसलिए उसका लेवल थोड़ा सा ऊपर करके रखने का ज़रूरत होता है, इसीलिए हम लोग जो है उसमें कवर यूज़ करते हैं। और RCC स्लैब में जो है मिनिमम कवर 20 mm का होना चाहिए। तो दोस्तों यही है थोड़ा सा हमारा कॉमन सेंस वाला नॉलेज। तो दोस्तों रूफ स्लैब्स को बनाने टाइम काफ़ी बातों का ध्यान रखा जाता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप देख सकते हैं हमें घर के अंदर पंखा भी चाहिए होता है, उसके लिए जो है हम लोग यहाँ पर पंखे का हुक जो है बीम के अंदर जो है प्लेस कर देते हैं, और जब हमारा कंक्रीट इसमें पड़ता है तो ये जो है उसके साथ दब जाता है और नीचे हमारा हुक जो है पंखे के लिए वो बच जाता है।
तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि कंक्रीट मिक्स के लिए क्या क्या यूज़ किया जाता है। तो कंक्रीट बनाने के लिए हमें सीमेंट, सैंड एंड एग्रीगेट चाहिए। तो सीमेंट जो भी कंपनी का लें, यहाँ पर हम लोग फिलहाल जो सैंड है वो नेचुरल सैंड ले रहे हैं जो कि रिवर से आया हुआ है। आप देख सकते हैं ये रिवर का नेचुरल सैंड है, और ये है हमारा एग्रीगेट जिसका साइज़ है 20-30 mm। इसको हम लोग जब मिक्स करते हैं, तीनों को मिक्स किया जाता है विथ वाटर, तो हमारा जो है कंक्रीट बन जाता है। तो फिलहाल के लिए हम लोग जो यहाँ पर कंक्रीट मिक्स बना रहे हैं उसका जो रेशियो है वो है 1:1.5:3। तो आप मुझे कमेंट करके बताइए ये कौन सा ग्रेड ऑफ कंक्रीट है। तो यार चलिए अब हम लोग देखते हैं कि जो कंक्रीट होता है उसको आखिर मिक्स कैसे किया जाता है। तो कंक्रीट को मिक्स करने का हमारे पास जनरली दो मेथड्स होता है, एक होता है हैंड मिक्स और एक होता है मशीन मिक्स। तो फिलहाल हमारे पास कोई मशीन नहीं है तो हम लोग हैंड मिक्स यहाँ पर करने जा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं जो हैंड मिक्स होता है वो किस तरह से किया जाता है। जैसा कि दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह से हमारा कंक्रीट को कॉम्पैक्ट किया जा रहा है बीम्स में। यहाँ पर लोहे का छड़ लेके जो है वाइब्रेशन प्रोवाइड किया जा रहा है। मॉडर्न टेक्निक्स में अगर हम लोग जाएँ तो एक वाइब्रेटरी रॉड होता है जो कि हम लोग यूज़ करते हैं, लेकिन क्योंकि हम लोग यहाँ गाँव देहात में हैं, गाँव का जुगाड़ इंडियन जुगाड़ लगा रहे हैं, तो हम लोग जो है एक रॉड लेकर जो है ठूसते हैं उसको और अच्छी तरह से कॉन्क्रीट को कॉम्पैक्ट करते हैं ताकि कहीं भी कोई भी वॉइड्स ना रह जाए, कोई भी एयर बबल्स जो है बन ना जाए। तो इसलिए हम लोग को कंक्रीट को प्लेस करते टाइम अच्छे से कॉम्पैक्शन करना ज़रूरी है। अब दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं जो हमारा आरसीसी रूफ स्लैब होता है उसका लेवलिंग कैसे किया जाता है। लेवलिंग करने का मतलब होता है कि जितना मोटा जितना थिक हमारा रूफ बन रहा है उतना ही मोटा जो है वो हर जगह से होना चाहिए। फॉर एग्जांपल यहाँ पर जो है हमारा 4 इंच का रूफ जो है बनाया जा रहा है, रूफ स्लैब 4 इंच का बनाया जा रहा है, इसलिए हम लोग जो है इसको नाप लेते हैं कुछ कुछ सेक्शंस बना के, उसमें जो है एक रॉड को डालते हैं जो कि 4 इंच तक अंदर जाता है, तो इससे समझ जाते हैं कि वो रूफ जो है 4 इंच का बन रहा है। तो इसी तरह से जो है कुछ कर यूज़ करके हम लोग लेवलिंग बनाते हैं, और इस तरह से कुछ सेक्शंस बनाने के बाद हमें जो है और कुछ सब सेक्शंस बनाने पड़ते हैं, लेकिन सब में हम लोग वो रॉड वाला तरीका यूज़ नहीं करते हैं। हम लोग यहाँ पर जो है अब धागे को यूज़ करते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं अब धागा यूज़ करके जो है हमारा लेवलिंग हो रहा है।